नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान आज सरकार की जमकर फजीहत हुई। सरकार में भागीदार जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने पुलिस पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। देवेंद्र बबली ने बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि टोहाना में पुलिस पैसे लेकर के खुला खेल खेल रही है, इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। देवेंद्र बबली ने कहा कि इस संबंध में वह एसपी विजय प्रताप सिंह सैनी से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस समय नहीं हो रही। वहीं देवेंद्र बबली ने मौके पर मौजूद एसपी से थाना प्रभारी व डीएसपी को बदलने की फिर से गुहार लगाई। देवेंद्र बबली ने कहा कि जिस किसी भी व्यक्ति के लिए विधायक यानी कि वह खुद फोन कर दें तो उस पर मामला जरूर दर्ज हो जाता है। देवेंद्र बबली यही नहीं रुके, उन्होंने बिजली निगम के एक्शन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक्शन ने अपने अधिकारियों और विधायक तक का कोई फोन नहीं उठा था। देवेंद्र बबली ने कहा कि उनके गांव की खुद की सड़क बिजली निगम एक्शन के कारण रुकी हुई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ ही कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी अपनी बात से मुखरते नजर आए। गाँव कुकड़ावाली की एक महिला प्रार्थी को भी मीटिंग में सूचना नहीं दी गई। मंत्री के आदेश पर डीएसपी ने स्पीकर ऑन करके सबके सामने महिला प्रार्थी से बात की, जिसके बाद मंत्री महोदय ने महिला थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने के आदेश भी दिए। कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग साफ तौर पर सुनी और देखी भी जा सकती है, लेकिन करीबन आधा घंटे के बाद ना जाने मंत्री महोदय कौन सा दबाव में आ गए कि अचानक वह अपनी बात से ही पलट गए। क्योंकि जब प्रेस वार्ता के दौरान जब मीडिया ने मंत्री महोदय से सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने लाइन हाजिर करने के आदेश नहीं दिए और अभी जांच की जा रही है। अब ऐसे में हरियाणा प्रदेश में आए दिन मामला गंभीर होता जा रहा है। जेजेपी और बीजेपी विधायकों की अपनी ठनी के चलते हरियाणा की राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता तीस रही है। आइए देखते हैं पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। इन्फॉर्म किया था आपको, सूचित किया था आज की मीटिंग में शामिल होने के लिए आपको महिला पुलिस स्टेशन द्वारा सूचित किया था। ऑन करो स्पीकर, बताइए एंड करी कर लो ना। हेलो, आज ही महिला पुलिस स्टेशन से किसी मुलाजम ने आपको आज की मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित किया था आपको? नहीं किया थी। शिकायत दी थी आपने? पूछो नहीं है जी, शिकायत है कि नहीं? हमारे पास तो कॉल नहीं आया किसी का। जून आराम जी से बात करो। कौन बोल रहे हैं? यार कौन बोल रहे हैं? मुझे तो इधर साहब प्रार्थी बोल रही है। हेलो हेलो, हाँ मैं जुड़ना एमएलए बोल रहा हूँ। हाँ तो आपको किसी ने इतला नहीं दिया जाने के लिए मीटिंग में? क्या शिकायत की थी? बोल नहीं किया था। आपकी शिकायत आपने दे रखी है, ये दे रखी आपने के खिलाफ का। चलो आप नेक्स्ट मीटिंग बुलाते हैं, आपको इतला नहीं मिली, इसको कोई इतला नहीं मिली ना बुलाया गया आज। चेक कर लें, एक सोचो जो आपसे है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर लगा दो इंचार्ज जी। ठीक है, तो ये पेंडिंग रखी जाती है क्योंकि वादी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई इन्फॉर्म ना होना ये मैटर करते तो जरूर बुलाना चाहिए। ठीक है, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म करा? सब लोग डिस्ट्रिक्ट जो ग्रीवियंस जो रिट्रेशन लिए कमेटी है उसमें जो तमाम इतला है वो डीसी ऑफिस के माध्यम से ही जाती है, तो एक बार काइंडली वो भी चेक कर लें। सुरेश, कंप्लेंट असिस्टेंट कौन था ये बताइए, आपकी इंफॉर्मेशन फतेहाबाद बताएंगे तहसीलदार फतेहाबाद के माध्यम से नहीं है? तहसीलदार साहब,
ये तो कन्फर्म हो ही गया, सोचना तो नहीं गई ना उनके पास, ये तो कन्फर्म हो गया। किसी की तरफ से नहीं गई, से बिड़ाने से आ जाता कोई ना, एस एच ओ द्वारा तो जांच की गई। आपका क्या पुलिस ले लेना होगा एक्शन, चलिए तेरहवीं कंप्लेंट बताइए। दो तीन कंप्लेंट है ना, एक इनमें आप जरा पूछ लें कि कोई सिविल कोर्ट में भी मैटर है, आप इसे आज ही पूछ लें, कल इसके राइटिंग को पीछे हट लो आप पक्का। ठीक सर, आप देखिए, मैं एक मिनट सर, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पिछले महीने मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, मेरे गाँव का रोड बन, और उस एक्शन को आपकी तरफ से निर्देश गए थे, एक बार सिग्नल लेने क्या किया, इतना बुरा हाल है, डिपार्टमेंट आपका है, इतना बुरा हाल है। एक भी ना हो, मेरा रास्ता बंद हो, मेरा रास्ता बंद हो रहा है गाँव का, मैं कच्चे रास्ते में जाता हूँ। एक्शन कौन है सर? बेनीवाल जी है। पूरा नाम क्या उसका? जयेश बेनीवाल सर। सर ये था कि एक दिन से बंद भी मारा रहा है, इससे दो महीने पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी। चलो पता बात कराओ, करोड़ों करोड़ ऑफिसर बैठे हैं, मैं तो कोई और नाम को ये अगर एमएलए की बात को नहीं करे तो फिर राजी मतलब शक्ति से पीछे एक आपने पिंजरे में अधिकारों को लड़ना पड़ता है बच्चे, ऐसे नहीं मिलते। पच्चीस तारीख से लगातार छुट्टी है, उनके बेटे की शादी है, पुलिस दो लोग कुंभकर्ण की नींद, कुंभकर्ण की नींद पुलिस हुई हुई, एसपी साहब देखो सर चाहिए है आपके सामने आयोगी बहुत जाती हुई है, उनके साथी हैं और उन्होंने जो है और वो अध्यक्ष जी जिम्मेवार आदमी है, इन्होंने फोन किया था, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए सर, इन बिटवीन जब मैंने पापा को बताया, खून की उल्टियां लगी थी, हॉस्पिटल में हर चीज प्रूफ किया है। अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूँ मैं, अध्यक्ष जी जब एडीसी साहब ये कह रहे हैं एक्शन साहब इनकी नहीं मानते, इनको गुमराह करते हैं, एमएलए का फोन नहीं उठा, मंत्री जब यहाँ बैठे होते हैं, अध्यक्ष यहाँ बैठे होते हैं, मीटिंग में नहीं होते, कैसे चलेगा जी मामला? गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। कितने दिन पहले हुआ बेटा जी? सर 12 दिन हो गए और मेरे पिताजी भी फोन आया, मैंने संबंधित अपने जो इंचार्ज थे उनसे फोन किया, कोई रिकवरी नहीं है, एसपी साहब बैठे हैं सामने और एसएचओ साहब ने भी कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपने किसको फोन? मैंने थाना में कहा था एसएचओ साहब को, इनको कहा आप आपसे बात ना, हमने कुर्सी के कोई इतला ही कोई कोई बात और ये हमने जैसा फोन आया मेरे पास सर, मैंने डीआईजी साहब को सबको कहा तो कौन सिटी में है, कौन है के बाद हमारे दोनों तीनों देखो, मैंने एक चौकी का भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, सरेआम खुलेआम चल रहे वहाँ एसएचओ आपके, ये अधिकारी कहीं और भेज दी तो दूसरे लगा दी, तो आपकी ड्यूटी होगी, आपकी ड्यूटी होगी ना, तो सारी धाराएं मेन धाराएं जी बेटा होगी, तुम्हारा सदर सिटी हमने कहीं और भेज दी थी ना, थोड़ा तो जो इनके तार जुड़े हैं थोड़े से तोड़ करके डिस्टर्ब होंगे, कोई नया अधिकारी का ढंग से तो काम करेगा सर, मेन बात ये धाराएं हटा दी सर, मेन जो धारा लगी थी 365। देखिए मैं आपके सामने एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, मुझे ये कहते हुए भाई कैमरे बंद कर लो या फिर रिकॉर्ड कर लो, तो चलो आपके ये अधिकारी कहीं और भेज दी, दूसरे लगा दी, तो आपकी छोटी होगी,
आपके तो होती होगी नहीं तो कोई नहीं बेटा होगी। एक पुन्ना, एक हमारा सदर सिटी, इन्हें कहीं और भेज दीजिए ना, थोड़ा वहाँ जो जो इनके तार जुड़े हैं थोड़े से थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब होंगे, कोई नया अधिकारी का ढंग से तो काम करेगा। मैं अध्यक्ष जी देखिए, मैं आपके सामने एक मिनट अध्यक्ष जी, मैं आपकी नोटिस में डालना चाहूंगा। मुझे ये कहते हुए भाई कैमरे बंद कर ले, फिर रिकॉर्ड कर ले, तुम चलाओगे कहोगे, फिर सर आम पैसे मांगे, फोन चला जाए, मेरा फोन चला जाए, अगर मैंने तेरा फोन कर दिया मुकदमा दर्ज होगा उसमें। मीटिंग में कितने मामले थे और कितनों का निपटान किया गया, कितने पेंडिंग रहे? 15 थे जी, जिनमें 11 फाइल कर दिए गए, 4 हैं जिन पे कुछ ओपिनियन देने हैं, कुछ कमेटीज बनी है वो डिसाइड करें। तो किसी पे कार्रवाई भी की है? 11 पे कर दिया गया जी, उनमें या तो किसी ने विड्रा कर लिया या कोई सेकंड पार्टी आई नहीं, 3-4 बार से पेंडिंग थे तो हमने फाइल कर। महिला जोड़ा पर बारी को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया आपने? अभी कोई ऐसा नहीं हुआ, मीटिंग में बहुत बातें डिस्कशन में चली हैं, उन पर कोई फैसला वैसला होगा तो थोड़ा कूलली सोच के लिए। जिस प्रकार प्रार्थियों पर सूचना नहीं दी गई तो उस पर कड़ा संज्ञान लेंगे जी आप? इस प्रकार सामने आया जी, किनको शिकायतकर्ता को सूचना नहीं दी गई मीटिंग की, तो उस पर कड़ा संज्ञान लेंगे? एक पे ये नोटिस में आया है, उस पर हम देख के सोच के करेंगे। सर टोहाना विधायक जी ने भी बड़ी मीटिंग में आरोप लगाया है कि टोहाना में खासतौर पर भ्रष्टाचार चरम पे जा रहा है, इस दिशा में क्या कदम उठाए जाएंगे? भ्रष्टाचार की बात उन्होंने जो ये कहा है कि अधिकारी जो है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वो मनमर्जी को कितने दूर तक आप आगे बढ़ा लो, ऐसा जनरल इन्होंने कहा कि थोड़ा सा बांध चेक होना चाहिए, उसमें हम कर रहे हैं। डीसी साहब एसपी साहब दोनों के संज्ञान में, मैं भी चेयरमैन बैठा हूँ, मैंने भी इस बात को नोटिस किया। मंत्री जी आपके आपके विभाग की काफी शिकायतें आई हैं जी, लापरवाही पाई गई है जी, आपके विभाग की काफी शिकायतें आई हैं जी, इसमें जो जिस तरह से जो पोल जो शहर के अंदर लगे हुए हैं। मेरे विभाग में एक हफ्ते में आप एक्शन देखेंगे, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस, पहले भी आपने कहा था जी तारे एक हफ्ता टाइम देंगे ना, मुझे कुछ चीजें जो हमें नोटिस भी देना पड़ता है, उसका टाइमली रिप्लाई करना भी होता है, उन प्रक्रिया को तो हमें फॉलो अप करना पड़ता है। एक हफ्ता में आपको मैसेज आपने कहा